ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में तो आपने कई जगहों पर सुना और पढ़ा होगा। इसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ग्लूटेन है क्या। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं, राई और जौ जैसे अनाजों में पाया जाता है। ये खाने में मॉइस्चर और इलास्टिसिटी को बनाए रखने में मदद करता है। ग्लूटेन फ्री का मतलब है ग्लूटेन युक्त अनाज से दूर रहना। इस तरह की डाइट उन लोगों के लिए रेकमेंड की जाती है जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, यानी उन्हें ग्लूटेन हजम नहीं होता। इस डाइट को फॉलो करने में सबसे मुश्किल कदम है रोटी या ब्रेड को अपने डेली मील से हटाना। लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत से ग्रोसरी स्टोर और सुपरमार्केट में अब आपको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इन्हें बनाने के लिए अक्सर चावल और आलू के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें खरीदने से पहले एक बार लेबल जरूर चेक कर लें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि ये 100% ग्लूटेन फ्री है। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू करने जा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कुछ हेल्दी फूड ऑप्शंस। कॉर्न और राइस सीरियल्स। ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए बाजार में मिलने वाले प्रचलित ब्रेकफास्ट सीरियल्स नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी जगह कॉर्न या राइस से बने ब्रेकफास्ट फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें खरीदने से पहले आप इनका लेबल जरूर चेक कर लें, क्योंकि इनमें से कुछ में माल्ट का इस्तेमाल हो सकता है जो ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए खतरनाक है। पास्ता में डालें नया ट्विस्ट। ये सच बात है कि चाहे किसी भी शेप या नाम का हो, ज्यादातर पास्ता गेहूं से बना होता है। इसलिए अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं तो स्पेगेटी, मैक्रोनी और शेल्स को एकदम ना कह दीजिए। इसकी जगह आप चावल, कॉर्न या किनुआ के बने पास्ते का मजा ले सकते हैं। हमेशा लीन मीट का करें इस्तेमाल। लीन मीट में फैट तो कम होता ही है, और अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चिकन, फिश या बीफ को ब्रेड के साथ खाने के बजाय आप लीन मीट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपकी डाइट भी ग्लूटेन फ्री बनी रहेगी और आप मीट का मजा भी ले सकेंगे। याद रखिए, हॉट डॉग्स और डेली मीट को प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इंग्रेडिएंट्स चेक करके ही इन्हें अपने कार्ट में ऐड करें। कुकीज और केक से रहें दूर। लगभग हर किसी को केक्स और कुकीज पसंद होते हैं। कोई भी सेलिब्रेशन इनके बिना अधूरा है, लेकिन अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं तो आपको इनसे दूर रहना होगा। ज्यादातर केक्स और कुकीज बनाने में गेहूं का इस्तेमाल किया ही जाता है। अगर आप ये सब नहीं खा सकते तो क्या हुआ, आप मार्शमेलो, गम ड्रॉप्स या प्लेन कैंडीज खाकर अपने मीठे की क्रेविंग्स को शांत कर सकते हैं। या फिर आप ऐसी बेकरी ढूंढ सकते हैं जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाती हो। सेलिएक बीमारी से जूझ रहे लोगों में थोड़ा सा ग्लूटेन भी गैस और ब्लोटिंग, वेट लॉस, थकान और कमजोरी जैसी परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए ग्लूटेन फ्री डाइट आपकी मदद करेगी।